डी को पहले मैं करूंगा, कह रहा आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट। सुनो, रिड्यूसिंग एजेंट को हमको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? तो ध्यान से जरा समझिए बच्चों, सुनिए, यहां पर जो अमोनिया है, ये अमोनिया जो है ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है कि नहीं, ध्यान से चेक करो, क्योंकि नाइट्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा है, ध्यान से चेक करो ये अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है कि नहीं। अमोनिया का क्या, हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। किसका? नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, क्योंकि नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऐड कर ले, मतलब ये वाला जो सब्सटेंस है इसमें एक एलिमेंट है नाइट्रोजन, उसका क्या हो जा रहा है? ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। अगर इसका ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, सुनो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, मतलब जिस एलिमेंट का ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन हो रहा होता है, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, और नाइट्रोजन किससे रिलेटेड है? इस कंपाउंड से रिलेटेड है। तो नाइट्रोजन जिस कंपाउंड से रिलेटेड होगा वही कंपाउंड क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? अमोनिया। फर्स्ट में, अभी मैं आपको और क्लियर करता हूं, फर्स्ट में रिड्यूसिंग एजेंट कौन है बताइए? अमोनिया है। कैसे? आइए मैं आपको दिखाता हूं। हमने यहां क्या लिखा है बताइए? दे ऐड हाइड्रोजन टू अदर्स और दे रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स। अब ध्यान से चेक करिए, ये अमोनिया ने अपने हाइड्रोजन किसको दे दिए? ऑक्सीजन को दिए कि नहीं बताइए? अमोनिया ने अपने हाइड्रोजन निकाल के किसको दे दिए? ऑक्सीजन को। तभी तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बनाया? वाटर। सही है। और आप इस तरीके से भी तो बोल सकते हो कि ये जो ऑक्सीजन है इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं हुआ? बताइए, इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ कि नहीं, तभी तो वाटर बना, ठीक है? तो जब हाइड्रोजन ऐड होता है तो क्या बोलते हैं उसको? रिडक्शन हो गया। तो ऑक्सीजन का तो रिडक्शन हो गया। किसने कराया? किसने कराया ये रिडक्शन? किसने कराया ऑक्सीजन का? अमोनिया ने। अरे अमोनिया ने तो अपने हाइड्रोजन दिए, सही है, इसलिए अमोनिया क्या है? यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है। कोई डाउट है बताइए? नहीं, ठीक।